क्रिएट अल वेब पेज डिस्प्लेइंग योर हॉबीज यूजिंग द बेसिक हेचडीएमएल टैक्स टाइटल ऑफ द वेब पेज विल बी हॉबीज सो हमें पता है यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ वेब पेज इनविंग एनी कंटेंट जो भी कंटेंट चाहिए वो कंटेंट के साथ हम वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं एंड वी आर सपोज टू यूज द बेसिक टैक्स कौन सा कौन सा बेसिक टैक्स देख चुके हैं हम हम अब तक क्या क्या बेसिक uh, टैक्स देख चुके हैंचडीएमएल और उसके बाद हेड टाइटल बॉडी पैराग्राफ और हेडिंग सो so, हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में ये सब टैक्स देखा था बट आर फ्यू अदर टैक्स विच वी सॉ इन अर्लियर सेशन जो सेशन में हम लोगों ने देखा था बेसिक टैक्स के लिस्ट पे वी ऑल्सो सॉ समथिंग अबाउट ब्रेक उसके बाद हम लोगों ने फॉन्ट टैक्स देखा था यस और नो

नोटपैड हमें नोटपैड खोलना पड़ेगा फर्स्ट यस और नो यस एंड देन वी स्टार्ट कोडिंग दैट इन द नोटपैड ऑलराइट सो चलो सेशन के अंदर लेट्स ओपन अ नोटपैड एंड स्टार्ट टाइपिंग द प्रोग्राम सो दिस इज द नोटपैड दैट वी हैव राइट नाउ सो हाउ डू यू स्टार्ट द प्रोग्राम एचटीएमएल टैग क्लोज एंगल ब्रैकेट्स और उसके बाद एंडिंग एचटीएमएल टैग इसके बीच में ही हम कोड टाइप करने वाले हैं सो राइट नाउ फर्स्ट हेड हेड के अंदर क्या रहेगा टाइटल टाइटल में यो गनो राइट हॉबीज ओके सो अभी एंड टाइटल करो टाइटल एंड उसके बाद यू हैव द हेड टैग ऑल्सो एंड सो अभी जो कंटेंट है यू आर एल का कंटेंट है दैट्स ऑलमोस्ट डन सो लिख लिख चुके है, head tag लिख चुके हैं हैं हेड हेड टैग के अंदर टाइटल टैग भी खत्म हो गया उसके बाद हम लिखने वाले हैं बॉडी टैग सो कंटेंट ऑफ द वेब पेज क्या होगा बॉडी टैग में होगा सो आई एम गोइंग टू राइट बॉडी टैग ओके इसके अंदर हम हेडिंग लिखना है हमें कौन सा हेडिंग लिखेंगे H1 वन के साथ हेडिंग लिखेंगे बी माय हॉबीज ओके सो अभी हेडिंग टैग में माय हॉबीज इज डन अभी कंटेंट लिखना पड़ेगा सो यू टू राइट कंटेंट फॉर एवरी सिंगल हॉबी सोचो कि यू हैव थ्री डिफरेंट हॉबीज अभी H1 तो बहुत ही बड़ा फॉन्ट है इट इज ऑल्सो बोल्ड एंड बिग सो दूसरा लाइन में हमें छोटा सा फॉन्ट चाहिए सो क्या कर सकते हैं सोचो क्या हम गेनो टाइप H4, फोर ओके एंड राइट स्टैंप कलेक्शन ओके फोर टू फाइव इन बैक ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर हॉबी था जिसमें स्टैंपेटिंग कलेक्टेड डिफरेंट डिफरेंट स्टैम्प डिफरेंट डिफरेंट नेशन या डिफरेंट काफ स्टैम्प सब कुछ कलेक्ट हो रहे थे ओके सो इसमें क्या करने वाले हैं स्टैम्प कलेक्शन तो लिख चुके हैं इसके बाद हमें लिखना है वट विल बी राइट समथिंग अबाउट द हॉबी this is a very interesting hobby you get to know lot about different countries doing this okay so i be paragraph close card Why do we write it in paragraph? Because after the heading we want the second sentence in the paragraph. इसलिए paragraph में लिख रहे हैं। इसके बाद वापस हम क्या करेंगे? H4 में singing, okay? So again paragraph में क्या करेंगे? This comes with प्रैक्टिस ओके इट हेल्प ऑल्सो इन रिलीविंग स्ट्रेस ओके ये पैराग्राफ भी खत्म सो वी हैव टू डिफरेंट पैराग्राफ कैन बी मेंशन और राइट और उसके बाद हम लोगों ने दो हॉबीज मैंशन किया है इसमें एंड वी हैव गिवन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म फॉर देम और अभी क्या करने वाले हैं बॉडी टैग को क्लोज करने वाले हैं वी हैव टाइप्ड इट इन दिस वे मगर हमें यह नहीं पता है कि कैसे डिस्प्ले होगा सो so, उसके लिए क्या करना पड़ेगा यू आर सपोज टू सेव दिस फाइल जाके सेव सेवास दो सेव सेवास में डेस्कटॉप में प्रिंट दिस इज द सेकंड प्रोग्राम पीजी टू डॉट एच टी एम एल ऑलवेज रिमेंबर जो नाम हम दे रहे हैं उसके साथ साथ यू आर सपोज टू टाइप डॉट एच एम एल ओके अभी से नाउ यू यू कैन सी देर इज एन अदर प्रोग्राम दैट इज क्रिएटेड हियर ऑलराइट राइट सो अभी क्या करेंगे लेट्स मिनिमाइज दिस अभी इसको डबल क्लिक करके ओपन करो देखा माय हॉबीज उसके बाद स्टैम्प कलेक्शन और एक पैराग्राफ आ रहा है उसके बाद सिंगिंग आ रहा है एक पैराग्राफ आ रहा है

जहां पे आप टाइप करते हो करते हो वो सेंटेंस को वहां पे ही ब्रेक करके जो कंटेंट उसके बाद आता है उसे दूसरे लाइन में डाल देता है जैसे कि एंटर की काम करता है ओके सो आल्सो आई वॉन्ट अ ब्रेक टैग यूर ऑल्सो लेट मी इंक्लूड दिस ओके सो आप ये भी मिस डोंट मिस्टेक थिंकिंग दैट डोंट डू मिस्टेक थिंकिंग दैट यहाँ पे जब जैसे आप स्पेसेस दे रहे हो वैसे ही स्पेसेस एचटीएमएल में आएगा नो एनी टाइम यू वांट टू गिव अस स्पेस आपको स्पेशली एक टैग से मेंशन करना पड़ेगा दिस विल एक्चुअली नॉट हेल्प अस इन गिविंग द स्पेस यहाँ पे आप देख रहे हो पैराग्राफ टैग में आई हैव रिटन अ सेंटेंस हियर एंड उसके बाद मुझे मैंने एक टैब स्पेस दिया है और उसके बाद ये सेंटेंस लिखी हूं बट व्हेन यू डबल क्लिक ऑन द फाइल एंड सी दउटपुट दउटपुट विल नेवर बी लाइक दिस ओके देखते हैं कैसे दिख रहा है ऑलरेडी मैंशन किया था दट नॉट डिस्प्ले कैन यू सी दैट सो जो कुछ स्पेसेस हम देते हैं वो स्पेसेस सब कुछ विल बी मिनिमाइज टू वन सिंगल स्पेस एच डी एम एल विल डू दैट ओके सो ये वाला वेब uh, पेज और ये वाला वेब पेज में बहुत सारे डिफरेंस है यहाँ पे इट इज इन अ सिंगल लाइन बिकॉज़ इट इज अ पैराग्राफ यहाँ पे पैराग्राफ होते भी वी आर गिवन अ ब्रेक टैग आफ्टर दिस सो ए ब्रेक टैग क्या करेगा दिस विल हेल्प अस इन टेकिंग इट टू द सेकंड सेंटेंस समझ में आया आपको सो दिस इज हाउ यू विल क्रिएट एचटीएमएल वेब पेजेस सो आज का सैंपल प्रोग्राम वी हैव क्रिएटेड इट हियर ऑलराइट सो what did we learn today we have learned about how to create a sample web page we have launched a web page actually we have created a web page naming hobbies title of the web page was hobbies we created a basic html case we have created a content and created the web page alright so if you have any doubts in creating html pages please write a note to me through the app i'll help you in doing that एंड प्लीज ट्राई क्रिएटिंग डिफरेंट वेब पेजेस लाइक कार्स या जो भी आपको मन पसंद है उसके बारे में यू कैन क्रिएट अ वेबेजिंग एच टी एम एल टैक्स करने से आपको ये बेसिक वाला जो एच टी एम एल पेज है दैट कैन बी क्रिएटेड आगे के सेशन में वील सी हाउ टू चेंज द कलर फॉन्ट और कैसे इमेजेस एड करना है वो सब कुछ एक रियल वेब पेज के जैसे कैसे क्रिएट करना है वो हम देखेंगे और राइट right? So meet you in the next session. Until then, bye bye.